हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरत धारा। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैस्पियन सी रीजन। मैं कैस्पियन सी क्षेत्र के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं मैप पर कैस्पियन सी कहां पर लोकेटेड है। कैस्पियन सी आप देखेंगे तो जो ब्लैक सी है आपका, ब्लैक सी के ईस्ट साइड में लोकेटेड है। और कैस्पियन सी बेसिकली आप ये देखेंगे कि एक तरीके से कह सकते हैं यूरोप और एशिया के बीच में एक बाउंड्री लाइन के तरीके से काम करता है। तो कैस्पियन सी को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी बॉडीज हैं, चाहे वो माउंटेन्स हों चाहे वो रिवर्स हों, जो मिलकर के एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करते हैं एशिया और यूरोप के बीच। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो माउंटेन्स हैं, इधर साइड में आपका एशिया है और इधर साइड में आपका यूरोप है। सो दीज आर कॉल्ड यूराल माउंटेन्स, इनको यूराल पर्वत कहा जाता है। जो मैंने ये लाल लाइन यहाँ पर खींची हुई है, आप आराम से देख सकते हैं ये यूराल माउंटेन है। और इन्हीं यूराल माउंटेन से ही एक नदी निकली हुई है। एज यू कैन सी हियर देयर इज ए रिवर फ्रॉम दीज यूराल माउंटेन्स कॉल्ड यूराल रिवर। तो यूराल रिवर यहाँ पर हो गई यूराल नदी। यूराल नदी जाकर के कहाँ गिर रही है, कैस्पियन सी में गिर रही है। तो ये जो रीजन है ये कैस्पियन सी है। ये आपका पूरा पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं, एक तरीके से ये जो बादाम जैसा लग रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका, बादाम नहीं काजू, आपका ये काजू जैसा जो लग रहा है ये कैस्पियन सी रीजन है, ये कैस्पियन सी है। तो यूराल माउंटेन्स, यूराल रिवर, कैस्पियन सी। और बगल में अगर आप इसको देखिए, ये वाला एरिया जो है, तो ये भी एक माउंटेन है जिसको बोला जाता है कॉकेसस माउंटेन्स। तो ये कॉकेसस माउंटेन हो गया यहाँ पर, कॉकेसस माउंटेन, फिर ब्लैक सी। मतलब ये फाइव जो आप ये कह सकते हैं रीजन्स हैं, जियोग्राफिक रीजन्स हैं, यूराल माउंटेन, रिवर, कैस्पियन सी, कॉकेसस और ब्लैक सी, ये मिल करके एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करते हैं बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब आप देखेंगे कि ये जो बाउंड्री बना रहा है बीच में, ये जो रीजन है मैंने बताया, एक जो काजू होता है, काजू के तरीके का क्षेत्र जो है वो, इसको कैस्पियन सी कहा जाता है। कैस्पियन सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कैस्पियन सी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहली चीज है कि कैस्पियन सी जो है वो, इसको बोला जाता है कि इट इज लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। भले से इसके नाम में जुड़ा हुआ है कि ये सी है, बट इट इज एक्चुअली नॉट ए सी। ये सबसे बड़ी झील बोला जाता है वर्ल्ड की, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है कैस्पियन सी को, जिसका एरिया लगभग जो है, मैं अगर आपको बोलूं, 371,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 371,000 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका टोटल एरिया है। यहीं पर आप देखेंगे तो इसको देयर आर फाइव कंट्रीज विच आर सराउंडिंग कैस्पियन सी। को पांच कंट्री जो है वो सराउंड कर रहे हैं। कौन कौन से पांच कंट्रीज हैं, अब मैं आपको उनका नाम बताता हूं, आपको इसको याद रखना है। ओके, तो इधर साइड में आपका रसिया है, इधर साइड में आपका रसिया है, रसिया हो गया पहला कंट्री। फिर उसके बाद जो है वो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान हो गया। फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान हो गया। फिर उसके बाद नीचे ईरान हो गया, इधर साइड में ईरान हो गया। और इधर साइड में ये आपका रीजन है, इधर अजरबैजान है। तो ये फाइव कंट्रीज जो हैं, कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एंड ईरान, दीज आर सराउंडिंग कैस्पियन सी फ्रॉम ऑल द साइड्स। और यहीं पर अजरबैजान की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसको बोलते हैं बाकू। तो बाकू जो है वो कैस्पियन सी में बहुत फेमस तेल का क्षेत्र है, ऑयल रीजन। बाकू जो है वो, यहाँ पर ऑयल का एक्सप्लोरेशन होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर अगर आप इसको देखेंगे, कैस्पियन सी को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इसके साथ ही जुड़ा हुआ है एक कंट्री बगल में, यहाँ पर ब्लैक सी के नीचे, हालांकि टर्की। तो टर्की ऐसा कंट्री है जिसे तुर्की बोलते हैं, ऑटोमन साम्राज्य आपने सुना होगा। तो टर्की जो है एक ऐसा स्टेट है जो कनेक्ट करता है किसको, यूरोप को कनेक्ट करता है और एशिया को कनेक्ट करता है। इसको कई बार यूरोप का बीमार आदमी या यूरोप का बीमार देश भी कहा जाता है, सिक मैन ऑफ यूरोप, ऐसा टर्की के बारे में बोला जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। और यही टर्की में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, आपने सुना होगा, उसकी लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसकी लोकेशन है, वॉन लेक, लेक वॉन, वी ओ एन, वॉन लेक ऑफ
तुर्की, इट इज द हाईएस्ट सेलाइन लेक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की भैया सबसे ज्यादा जो है वो सेलिनिटी जो है वो यहीं पर है, जिसे आप कह सकते हो लवणता। तो विश्व की लगभग ये बोला जाता है इसकी लवणता 330 जो है वो पार्ट्स पर मिलियन है, सॉरी पार्ट्स पर थाउजेंड, इट्स नॉट पार्ट पर मिलियन, लगभग 330 पार्ट्स पर थाउजेंड है टर्की की वॉन लेक। इट इज द मोस्ट सलाइन लेक ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कैस्पियन सी सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ी लेक है, वैसे ही ये मोस्ट सलाइन लेक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ओके, तो आप ये देखेंगे कि जो ये कैस्पियन सी है फाइव कंट्रीज से जो है वो घिरा हुआ है चारों तरफ से, बाकू इसके बीच में है, और यही कैस्पियन सी के इधर साइड में एक सी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम है अरल सी, इट इज अरल, ARAL, अरल सी है। अब अरल सी जो है वो इसकी क्या खासियत है, इससे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, अरल सी पहली चीज जो है वो श्रिंक होता जा रहा है, अरल सी का एरिया धीरे 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 कम होता जा रहा है, अरल सी खत्म होता जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक तरफ से ये जो है वो इंसर्कल्ड है कजाकिस्तान से, नॉर्थ साइड में इसके यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ साइड में ये कजाकिस्तान से घिरा हुआ है और साउथ साइड में उज्बेकिस्तान से, तो इधर कजाकिस्तान है इधर उज्बेकिस्तान है। तो आप आराम से इसको याद रखिएगा कि किन किन कंट्रीज से घिरा हुआ है, मैं आपको एक कोड बता देता हूँ, काऊ, KAU, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है आपका अरल सी, सो यू कैन इजिली रिमेम्बर दिस, ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये सारी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा कैस्पियन सी के अराउंड डिस्कस की जानी चाहिए आप लोगों के साथ, और मैंने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया, और आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, अगर आप इनको याद रखेंगे तो आराम से जो है वो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी एग्जाम में। सो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाता हूँ, आप लोग बोर हो जाते हैं देखते नहीं हैं, तो प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज, एंड इफ यू थिंक वॉट आई एम टेलिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एंड इट इज हेल्पिंग यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा भौकाल नहीं बनाता लेकिन फिर भी मैं सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आप इसको जो है वो और लोगों तक फॉरवर्ड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टूडे।